चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ बॉडी इज थ्रोन एट एन एंगल 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल विद वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड, आफ्टर 1 सेकंड इट्स वेलोसिटी विल बी, कितनी हो जाएगी। इसे तो प्रोजेक्टाइल में क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जाता है, एज्यूम करो यू वेलोसिटी से थीटा एंगल हॉरिजॉन्टल से बनाते हुए, तो ऑब्जेक्ट कैसे जाता है और जाके ग्राउंड पे हिट करता है दोबारा। तो ओ पॉइंट है ओरिजिन जहां से ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जा रहा है, मान लो पी पॉइंट यहां है, एक सेकंड बाद यहां से यहां तक का टाइम एज्यूम करो एक सेकंड है, ठीक है। तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होगी, यू कॉस थीटा, और यहां की वेलोसिटी क्या होगी, यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा, ठीक है। अब क्वेश्चन में यू की वैल्यू दिया हुआ है, यू इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड, और थीटा की वैल्यू 30 डिग्री दिया हुआ है क्वेश्चन में हॉरिजॉन्टल से, ये है ना, ठीक है, थीटा दिया हुआ है। तो अब u cos थीटा और u sin थीटा की वैल्यू कितनी होगी, ux इज इक्वल टू हो गई 30 इंटू cos 30 की वैल्यू कितनी होगी, cos 30 इज इक्वल टू √3/2, यानी ux की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ux की वैल्यू 15√3 आएगी, और uy की वैल्यू कितनी आएगी, 30 × 1/2, क्योंकि sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो 1/2 से 15 ही आ जाएगा मीटर पर सेकंड uy की वैल्यू, करेक्ट है। तो यहां पर वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में क्या कोई चेंज आएगा, आंसर नहीं, जो इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी वही फाइनल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पी पॉइंट की भी रहेगी। ये ओ पॉइंट इनिशियल और पी पॉइंट फाइनल हम कंसिडर कर रहे हैं, दो पॉइंट के बीच में लिया जाता है, इक्वेशन अप्लाई किया जाता है, तो ये 15√3 ही रहेगा, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट वी वाई ये बदल जाएगा, क्यों, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी इसको नीचे खींच रही है, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है नीचे की तरफ है, तो वो साइन निगेटिव होगा जी की वैल्यू, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हम ऊपर पॉजिटिव कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि इंटेंशन ऑफ मोशन किधर है, ऑब्जेक्ट का जब इधर थ्रो किया जा रहा है, तो इंटेंशन ऑफ मोशन वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर की तरफ है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में राइट साइड है, तो ये राइट साइड पॉजिटिव होगा, राइट साइड पॉजिटिव साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, और ऊपर का डायरेक्शन आपका पॉजिटिव होगा, ये साइन कन्वेंशन हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो UY ठीक हो गया और UX हो गया, तो हम VY इज इक्वल टू UY प्लस AYT, पहला इक्वेशन अगर हम अप्लाई करें तो VY की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव ऊपर की तरफ है प्लस, ठीक है, UY की वैल्यू भी प्लस 15, AYG की वैल्यू निगेटिव नीचे की तरफ है, और जी की वैल्यू है कितनी 10, तो -10 इंटू एक सेकंड बाद कह रहा है, एक सेकंड बाद O से P तक पहुंचा है, तो टाइम की वैल्यू 1 सेकंड होगी, तो कितना आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड आएगा, वी वाई की वैल्यू 5 मीटर पर सेकंड। तो यहां पर अगर वी वाई, अगर पी पॉइंट पे वी वाई ये है, वी वाई ये है, और वी एक्स इक्वल है आपका 15√3 के, और वी वाई है 5 मीटर पर सेकंड है, तो रिजल्टेंट कितना होगा, रिजल्टेंट होगा क्योंकि दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, ये भी यू वी वाई होगा, ये वी एक्स है, ये वी वाई है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग नेट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, हाइपरनेस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस वर्टिकल का, वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 15√3 का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये 225 × 3 × 3 प्लस 25, ये कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू 675 प्लस 25 700 आ जाएगा ना, 700 आया, करेक्ट है, देख लो एक बार चेक करो 700। तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v स्क्वायर 700 का मतलब 10, v स्क्वायर की वैल्यू है 10√7 आएगा, कौन सा ऑप्शन सही है, 10√7 पहला ही ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।